गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर जालंधर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान माहिर डॉक्टरों की टीम ने 150 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई। इस दौरान वहां पर मौजूद कई लोगों ने रोष प्रदर्शन भी किया, जिनका कहना था कि इस वैक्सीनेशन कैंप के लिए 200 डोज आई थी, लेकिन कैंप में सिर्फ 150 लोगों की ही वैक्सीन दी गई, जिस कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मौके पर प्रधान दीपक जोशी, भूपिंदर सिंह, मुख्य सेवादार अमृतपाल सिंह, जनरल सचिव मक्खन सिंह, जत्थेदार सरदारा सिंह मक्कड़, बूटा सिंह भाटिया, मन महेंद्र सिंह संदल, इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आए हुए लोगों के लिए चाय पानी का लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। वैक्सीन का कैंप लगाया गया, जिस कोविशील्ड की डोज लगी तकरीबन साढ़े को 200 डोज पहुंची है, और साढ़े को जो कागज फॉर्म आए हैं वो 400 तो बद आ चुके हैं। हूँ असं इन्हों को लोगों को माफ़ी मांगते हैं भी भाई दोबारा फिर असी कैंप लगावे, उन्होंने भी वारी आऊगी। जिते मैं सारे भरावान का सत्कार करदा, उ मार्केट कमेटी का जो साड़ी माइरेंगे ट्रेडर एसोसीएशन है, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साढ़े जिन्हें भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ये सेवा भी लगे हैं, और सेंटर का और पंजाब सरकार का असी बहुत धन्यवादी हाँ, जेडे कि नर सेवा नारायण सेवा ये लोगों लिए कर रहे हैं और जीवन दान दे रहे हैं। जिन्ना ये कष्ट समय चल रहा है, महामारी जो चली है वो भले ये लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और जिते मैं सारे का धन्यवाद करदा, उत्ते हलचल चैनल का शीतल बाबू का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जेडे कि गाए बगाए जिमें भी जो कि पब्लिक नाल कोई काम होंगे या लोग सेवा के काम होंगे ये साढ़े वो कवरेज करते हैं। असी हलचल वाले का भी बहुत शुक्रिया।